क्या हिमाचल की सुक्खू सरकार ने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की हार में बड़ी भूमिका निभाई? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से ठीक पहले सुक्खू सरकार ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा था कि हमारी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उन्होंने इस कदर हालात बना दिए कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की पेंशन समय पर नहीं मिल रही थी, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम स्टार प्रचारक जो हरियाणा पहुंचे, उन्होंने हिमाचल का जिक्र करते हुए कहा कि हिमाचल में हालात देख लीजिए। तो क्या अब देश की जनता, तमाम राज्यों की जनता ये समझ रही है कि अगर केंद्र में दूसरी सरकार है और प्रदेश में हम दूसरी सरकार बनाएंगे तो आर्थिक स्थिति भी खराब होगी और उस हिसाब से बजट नहीं मिलेगा जिस हिसाब से प्रदेश में वही सरकार को मिलेगा जो सरकार केंद्र में है? हिमाचल की आर्थिक स्थिति सुक्खू सरकार के समय में ही खराब नहीं है, इससे पहले भी आर्थिक स्थिति खराब रही है, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से बार बार ये दुखड़ा नहीं सुनाया कि हमारी हालत बेहद खराब है। जब सुक्खू के मंत्रियों को और सुक्खू को मालूम चल गया था कि हमने बहुत गलत बयानबाजी की है और इसका असर अन्य राज्यों के चुनावों पर पड़ेगा, तो उसके बाद वो कहते रहे कि सब कुछ ठीक है, आर्थिक स्थिति भी ठीक है और तमाम हालात ठीक है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो क्या आपको लगता है कि अब आने वाले समय में चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो या फिर कहीं और राज्यों में चुनाव होंगे, लोगों के मन में अब एक शंका रहेगी कि अगर हमने जो है देश के विपक्षी पार्टी को सत्ता सौंपी तो आने वाले समय में भयानक इसके नतीजे हो सकते हैं? और यही कारण रहा कि उत्तराखंड हो या हरियाणा, उन्होंने खासकर हिमाचल के जो पड़ोसी है, उन्होंने हिमाचल के हालात देखकर बिल्कुल इसके विपरीत बीजेपी को वोट किया और बीजेपी की सरकार बनाई। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं।